In this video, we are going to create this. कंटिन्यू करूँ उससे पहले बता दूं, मैं मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर डेली ऑनलाइन आता हूँ 6 से 8 के बीच, जहाँ पर हम सब आपस में बातें करते हैं। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिस पर क्लिक करके आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर दो तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक मिल जाएगा जस्ट उसी लिंक के नीचे, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमें अपनी उस क्लिप को इंपोर्ट कर लेना अपने लाइटनोशन में, जिसके ऊपर हम इस इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। बस आपको ध्यान में एक चीज रखनी है, जिस भी क्लिप का आप यूज करो उसमें जो गन आप यूज करो उसके पर कोई भी स्किन अप्लाई ना हो। आपकी जो बेसिक स्किन होती है ब्लैक कलर की, उसको यूज करके रखना है। और कहीं पर भी आप FPP मोड में स्विच करके इस तरह की क्लिप को रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद में उसको ऐड कर लेना अपने अलाइट मोशन में, और उस क्लिप के ऊपर हमें फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है, जो कि होगा हमारा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो मैं ऐड इफेक्ट के अंदर जाऊंगा और सर्च करूंगा ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, तो ये रहा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स रख के इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्राइटनेस को मैं डिक्रीज कर दूंगा अराउंड -15% के आसपास, और कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर दूंगा अराउंड, इसको 15 कर देता हूँ मैं, 15 या 16 माइनस, और कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करके कर दूंगा अराउंड मैं -25% के आसपास। और इतना काम जैसे ही हो जाता है, मैं अपनी क्लिप की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा यहाँ से कुछ इस तरह से, और ये जो ऊपर वाली क्लिप है उसका जो इफेक्ट है हमारा, ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अभी के लिए मैं नीचे वाली क्लिप को हाइड कर दूंगा, क्योंकि ऊपर हमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है वाइप, ताकि हमें दिख सके कि हमारा इफेक्ट कैसा अप्लाई हो रहा है। तो ऊपर वाली क्लिप के ऊपर मैं जाऊंगा इफेक्ट्स के अंदर, ऐड इफेक्ट के अंदर, और अप्लाई करूंगा मैं वाइप। तो मैं सर्च कर लेता हूं वाइप, ये रहा, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही रखनी है। और इसका जो स्टार्ट है, स्टार्ट मैं कर दूंगा अराउंड 4.5% के आसपास डिक्रीज। उसके बाद में इसका जो एंड है, एंड को मैं इंक्रीज करूंगा अराउंड, सॉरी इंक्रीज नहीं करना है इसको, 35% के आसपास मैं डिक्रीज कर दूंगा, ताकि ऊपर से हमारा ये हाफ पार्ट कट जाए। तो इसको मैं अराउंड 30 या 31% के आसपास डिक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंगल पे जाऊँगा, एंगल इसका कर दूंगा अराउंड 5% तक इंक्रीज, और जाऊँगा फेदर के ऊपर, इसके फेदर को मैं इंक्रीज करूँगा अब मेरी, जब तक गन विजिबल नहीं हो जाती। तो इतना मुझे परफेक्ट लग रहा है, इतना ही कर देता हूँ, इसको अराउंड 35% कर देता हूँ। और इतना काम जैसे ही हो जाता है, मैं अपनी इस वाइप की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे जाऊँगा और डुप्लीकेट करने के बाद में, ये जो दूसरा वाला मेरा वाइप है, इसके जो स्टार्ट है, स्टार्ट पे मैं जाऊंगा और स्टार्ट को मैं इंक्रीज कर दूंगा अराउंड 63% के आसपास। तो इसको मैं 65 या 63% के आसपास कर देता हूँ। उसके बाद में इसके एंगल को मैं रोटेट करके कर देता हूँ अराउंड 65% के आसपास, या 60 या 65% के आसपास। उसके बाद में इसके एंड को मैं डिक्रीज करूंगा और इसको कर देता हूँ मैं अराउंड 61% के आसपास। तभी मेरे सिर्फ गन विजिबल है, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। और इतना काम जैसे ही हो जाता है, मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट को अप्लाई करूंगा, इफेक्ट्स के अंदर जाकर एक्सपोजर एंड गामा, जैसे मैं सर्च कर लेता हूं एक्सपोजर एंड गामा, ये रहा, स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही रखनी है। और उसके बाद एक्सपोजर को मैं एकदम ही मैक्स कर दूंगा, जाऊंगा गामा के ऊपर, और गामा को मैं कर दूंगा अराउंड 1.450 के आसपास कर देता हूं। उसके बाद मैं जाऊंगा मैं ऑफसेट के ऊपर, और ऑफसेट को मैं डिक्रीज करके कर दूंगा अराउंड 0.05 के आसपास। इतना काम जैसे ही हो जाता है, मैं इसके ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई करूंगा, जो कि है मेरा फाइंड एजेस। तो मैं ऐड इफेक्ट के ऊपर जाऊंगा, सर्च करूंगा फाइंड एजेस, और ये रहा, इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स रख के इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा। और उसके बाद में इसका जो स्मूथनिंग है, मैं इसको कर दूंगा 1.00 के आसपास, और इसका ये जो थ्रेशोल्ड है, इसको मैं एकदम ही इंक्रीज करके मैक्स कर दूंगा। उस यहाँ से मैं इन्वर्ट इनेबल कर दूंगा, तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। उसके बाद में इसके जस्ट बाद में एक और इफेक्ट को अप्लाई करूंगा, जो कि है मेरा हॉट कलर। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ हॉट कलर, ये रहा हॉट कलर, इसकी भी स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही हमें रखनी है। और इसका मैं कलर कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं पर्पल कलर का यूज़ करूँगा यहाँ से, और टिंट पर जाके मैं ब्लू कर देता हूँ। ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, तो आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। वैसे भी इसके बाद हम इसके ऊपर ह्यू का अप्लाई करने वाले हैं, तो हॉट कलर को रख देना है। उसके बाद फिर से ऐड इफेक्ट के ऊपर जाना है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस अप्लाई करना है इसके ऊपर। मैं सर्च कर लेता हूँ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। उसके बाद में इसकी सैचुरेशन को मैं एकदम ही मैक्स कर दूंगा, और वाइब्रेंस को भी एकदम मैक्स कर दूंगा। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। इसके जस्ट बाद मैं एक और इफेक्ट को अप्लाई करूंगा, जो कि है मेरा ह्यू एंड सैचुरेशन, जिसके लिए हम लाइक अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ ह्यू शिफ्ट, और स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही रख लेते हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग में मैं एक की फ्रेम ऐड करूंगा,
कुछ इस तरह से इसको एकदम स्टार्टिंग में प्लेस कर दूंगा और इसके लास्ट में आके इसका ह्यू शिफ्ट मैं इंक्रीज करूंगा अराउंड 359 या 359 नहीं हाँ 359 डिग्री तक या 358 डिग्री तक। उसके बाद में इसकी फ्रेम को भी मैं एकदम ही एंड में प्लेस कर दूंगा। तो ये कुछ RGB ये कुछ ह्यू करके इफेक्ट आएगा। तो इतना काम जैसे ही हो जाता है उसके बाद मैं नीचे वाली क्लिप को अभी के लिए शो कर देता हूँ और ऊपर वाली क्लिप के ऊपर मैं जाता हूँ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाता हूँ, लाइटिंग के अंदर जाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लीनियर डॉज। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। उसके बाद में मैं जाऊँगा इसकी स्केल के ऊपर यहाँ से और इसकी स्केल मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगा अराउंड इतनी, थोड़ी सी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। और उसके बाद में ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। इतना काम जैसे ही हो जाता है मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी सेकेंड लेयर है इसकी जस्ट मैं एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा यहाँ से कुछ इस तरह से। और उसके बाद में इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, ऐड इफेक्ट करूँगा और इस बार मैं एक इफेक्ट अप्लाई करूँगा जो कि है मेरा गॉसियन ब्लर। यहाँ से सर्च कर लेता हूँ गॉसियन ब्लर, स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही रखनी है। और उसके बाद में स्ट्रेंथ इसकी मैं कर दूँगा अराउंड 0.100 के आसपास। तो यहाँ से मैं 0.100 के आसपास कर देता हूँ। उसके बाद में इस क्लिप की मैं एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा। तो मैं जाऊँगा डुप्लीकेट लेयर करूँगा कुछ इस तरह से, तो फिर से ऐसा इफेक्ट आएगा। और इस बार मैं जाऊँगा यहाँ से गॉसियन ब्लर के अंदर और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कर दूंगा अराउंड 1.200 के आसपास। ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है मेरी स्क्रिप्ट के ऊपर और इसके ऊपर ये कुछ ऐसा स्ट्रोक और ऐसा ग्लू करके इफेक्ट आ चुका है। तो इतना काम जैसे ही हो जाता है उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक और डुप्लीकेट लेयर मैं सोच रहा हूँ क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ इसकी। और इस बार ये जो ये वाली लेयर थी मैं इसके सबसे पहले इफेक्ट्स के अंदर जाऊंगा और इसका गॉसियन ब्लर मैं कर देता हूं अराउंड 0.500 और ये जो मेरी सबसे टॉप वाली लेयर है उसकी स्ट्रेंथ को मैं कर देता हूं अराउंड 1.20 या 1.300 के आसपास। ये थोड़ा सा और ग्लो करके इफेक्ट आएगा, ये कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। इतना काम जैसे ही हो जाता है मैं इस क्लिप को सिंपली एक्सपोर्ट कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमें मैक्स सेटिंग्स ही रखनी है और 60 FPS जो मेरी नॉर्मल सेटिंग्स है इसी को रख के मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ इस क्लिप को। और जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाती है इसको हम फिर से एक बार ऐड करेंगे अपने स्लाइड मोशन में। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं हमारी ये क्लिप अभी कैसे एक्सपोर्ट हुई है। तो अगर इस पॉइंट पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये क्लिप हमारी कुछ ऐसी निकल कर आई है, ये देखिए। तो इसको मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ यहाँ से और उसके बाद फिर से मैं जाऊँगा बैक यहाँ से कुछ इस तरह से होम पे आके और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं फिर से अपनी उस क्लिप को एक्सपोर्टेड क्लिप को इसके ऊपर इंपोर्ट कर लूँगा और ये कुछ ऐसी क्लिप हमारी लगेगी। उसके बाद एक बार फिर से मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा। सो मैं जाऊँगा यहाँ से डुप्लीकेट लेयर और अपने स्काई ब्लू के लिए। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक और इफेक्ट को अप्लाई करूँगा जो कि है मेरा वाइप। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ वाइप, ये रहा वाइप ऐड करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग्स ही रखनी है। और उसके बाद में इसके स्टार्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देख लेता हूँ, ये कुछ ऐसे इफेक्ट आ रहा है। अभी के लिए मैं इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ ताकि मुझे दिख सके कि ये इफेक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। और फिर से मैं जाऊंगा अपने उसी इफेक्ट के अंदर वाइप के अंदर और तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद मैं इसके एंगल को यहाँ से चेंज करूंगा कुछ इस तरह से और इसके स्टार्ट को मैं फिर से 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्ट को नहीं करना है, मुझे इसके एंड को डिक्रीज़ करना है और इसको कर देना है अराउंड इतना। उसके बाद मैं इसके फेदर को इनक्रीज़ करूँगा और फेदर को अराउंड 65% कर देता हूँ और उसके बाद मैं एंड को मैं थोड़ा सा और डिक्रीज़ करूँगा ताकि मेरा स्काई ग्लो जब तक विजिबल रहे। तो अराउंड एंड में कर देता हूँ 9% के आसपास। तो इतना काम जैसे ही हो जाता है मैं फिर से जाऊँगा इसकी इफ़ेक्ट्स के अंदर एक्सपोजर एंड गामा के ऊपर और यहाँ से मैं गामा को कम ज़्यादा करके अपने स्काई ग्लो को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अराउंड मुझे इतना सही लग रहा है और इतना जैसे काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी स्काई ग्लो भी हमारा ऐड हो चुका है और हमारी इस गन के ऊपर भी ये जिस और ग्लो हमारा ऐड हो चुका है। तो सिंपली मैं इसको अपनी फाइनल क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बारे में देखता हूँ कि कैसा इफेक्ट आता है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस इफेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर कांटेक्ट कर सकते हो या मैं डेली डिस्कॉर्ड सर्वर पर ऑनलाइन आता हूँ 6 से 8 के बीच जैसा कि मैंने बोला इस वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर भी आकर आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी मैं जल्दी मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।